रिवर, ये क्या है इंडस और सिंधु, ठीक है, सिंधु से लेकर सतलज, उसके बाद यहाँ पर आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पर आएगी सतलज, ठीक है। तो सिंधु से सतलज इसके बीच का हिमालय, तो सिंधु से सतलज के बीच हिमालय का कोई भी सेक्शन को देखेंगे तो मतलब आपका कुछ इस तरह से, यहाँ से आपकी, सॉरी ये बहुत ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ से कुछ इस तरह से, ये क्या आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, और सिंधु नदी और यहीं पर से आपका अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से सतलज बहेगी, ठीक है, सतलज ही। तो सिंधु और सतलज के बीच ये वाला जो क्षेत्र है इसी को क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय, या आपका बोला जाता है इसी को पंजाब हिमालय, कश्मीर और पंजाब हिमालय, ठीक है। तो ये क्या है, कश्मीर और या पंजाब हिमालय, कश्मीर और पंजाब हिमालय, ठीक है। अब जब हम लोग पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, कश्मीर और पंजाब हिमालय, किसके बीच, सिंधु से लेकर सतलज के बीच, सतलज से लेकर अब इसके बाद यहाँ पर आएगी काली नदी, ठीक है, काली, ठीक है। तो आपका नेपाल वाला क्षेत्र, और यहाँ पर आपको देखेंगे नेपाल पे यहाँ तो इस तरह से काली नदी आती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, कहाँ से, सतलज से काली का जो क्षेत्र है, सतलज से काली के बीच, इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालयस, क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयस, ठीक है। तो ये क्या है, कुमाऊं हिमालय। तो आपका सिंधु से सतलज कश्मीर, सतलज से काली आपकी कुमाऊं, काली से लेकर आप देखेंगे यहाँ पर बीच में ये आपका दिख रहा है कंचनजंगा, इसके बगल से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से नदी जाएगी जिसका नाम है तिस्ता, ठीक है। तो काली से तिस्ता, ठीक है, तो काली से अगर तिस्ता देखेंगे ये वाला, तो उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। और काली से तिस्ता के बाद और आगे जाएंगे, तिस्ता से वो लास्ट में आएंगे, वहाँ पर लास्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को वहाँ पर क्या होता है, दिहांग नदी बोलते हैं, ठीक है, या तो ब्रह्मपुत्र लिख सकते हैं या तो दिहांग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर दिहांग जाएंगे तो नेपाल के बाद इसको बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है, तो क्या बोलते हैं आपका, असम हिमालय, क्लियर है। तो ये चारों चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ईस्ट टू वेस्ट कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि आपको ये चीज़ों को पूछा जाता है बार बार कि कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है, तो ये अगर इन चारों में देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो क्या है आपका, नेपाल हिमालय लेंथ के हिसाब से, उसके बाद आपका क्या आता है, असम हिमालय आता है, असम के बाद देखेंगे तो आपका क्या आएगा, पंजाब हिमालय, और उसके बाद आएगा कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो सबसे बड़ा है नेपाल, उसके बाद असम, असम के बाद है कश्मीर, कश्मीर और पंजाब हिमालय, और उसके बाद क्या है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस चीज़ को मैं रब कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कुछ छोटी मोटी चीज़ों को यहाँ से ऑब्जर्व करना है इसलिए मैंने उसको मिटाया नहीं था, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर साथ ही साथ पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हिमालय को आप लोग यहाँ से अच्छे से देखेंगे, पहली बार कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है, और हिमालय को देखेंगे तो क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर शेप को अच्छे से समझेंगे, मैं ये वाले की ज़रूरत नहीं है तो इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग फिर से बना लेंगे ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको मिटा के शेप को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर उसी सेक्शन को बनाए हिमालय को तो कुछ क्या है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कह रहे थे, चार भागों में विभाजित भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पंजाब और कश्मीर हिमालय, ठीक है, ये क्या है, कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, कुमाऊं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, नेपाल हिमालय, और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं असम हिमालय, ठीक है। तो ये चार उसके सेक्शन है, साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये शेप यहाँ से धीरे धीरे कुछ इस तरह से, मतलब क्या हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक त्रिभुज का आकार बन रहा है, और साथ ही साथ क्या बन रहा है, अगर ऐसा देखेंगे ये पूरा, तो ये कैसा दिख रहा है आपके, एक तलवार के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट शेप है, ठीक है, तलवार की तरह, इसको अर्धचंद्राकार भी बोल सकते हैं, तो इसका क्या है, तलवार की तरह दिखता है, या अर्धचंद्र चंद्र के जैसा भी दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कश्मीर पंजाब, कश्मीर और पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर शेप को भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, किस तरह से आपका इसका शेप है। और इस शेप से हमको क्या पता चलता है कि जो पश्चिम वाला पार्ट है, जो पश्चिमी हिस्सा है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई जो है ये पूर्वी से ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से धीरे धीरे अगर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई, विड्थ तो जो है वो क्या हो रही, कम होती जा रही है, ठीक है। तो चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो चौड़ाई में आपका क्या देखने को मिल रहा है, इधर इस तरफ जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे तो चौड़ाई क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जाएंगे तो चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो अगर इस वाले सेक्शन को देखेंगे तो ये वाला पूरा यहाँ से, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो आपका इसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर, ठीक है,
लगभग 400 किलोमीटर से इतनी ज़्यादा है, और इधर देखेंगे तो कम होते होते यहाँ पर 100 और उससे भी कम किलोमीटर तक बन रही है, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर लगभग इतनी इसकी लंबाई है, ठीक है। मैंने आपको अलग अलग सेक्शन का दे दिया है कितना लंबाई है क्या है, लिखकर उसको एक बार रीड कर लेना, उतना आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा फैक्ट रटने का, पर फिर भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी चौड़ाई यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं तो कम होती जा रही है हिमालय की, और क्या है इसकी लंबाई कितनी थी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, क्षेत्र थोड़ा चौड़ा है, तो ये चौड़ा है क्षेत्र, ये क्या है आपका, आपकी यहाँ पर चौड़ाई कम है, पर अगर चौड़ाई कम है लेकिन इस तरफ देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जितने भी चोटी है वो क्या है, बहुत ऊँची ऊँची चोटी है, ठीक है। तो अगर स्लोप की बात करें, अगर ढाल की बात करें, तो इस तरफ अगर ईस्ट की बात करें, ये यहाँ से अगर देखते हैं ना, इसको दो भागों में तोड़ा गया है, ईस्ट हिमालय या वेस्ट हिमालय बोलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है कश्मीर और कुमायूं, तो इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम हिमालय, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका पश्चिम हिमालय, इन दोनों को, कश्मीर और कुमायूं को, और नेपाल और जो आपका असम है इसको क्या बोलते हैं, पूर्व हिमालय, ठीक है। तो पश्चिम हिमालय को देखेंगे तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, इस पर क्या है, इसकी ऊंचाई कम है पर इसमें ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है, चौड़ाई कम है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होती है, ये वाले क्षेत्र में अगर देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, ये वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पर हवाएं आती हैं, और ये वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या होती है, आपकी वर्षा नहीं होती, यहाँ पर स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र में ज़्यादा स्नोफॉल होता है, पर इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपको आते हैं, एग्जाम और समझना है। अगर अच्छा, एक सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, हिमालय की जाके चढ़ाई करनी है, तो आप किस दिशा से चढ़ना चाहेंगे, पश्चिम से या पूर्व से? तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको, अगर अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ समझ आएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चट्टानों की जो ढाल है वो तीव्र है, क्योंकि ऊपर है, मतलब पर्वतों का जो ढाल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब आपका क्या है, यहाँ पर तीव्र ढाल है, तभी तीव्र है इसीलिए ऊंचाई ज़्यादा है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो तीव्र नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ढाल कुछ इस तरह से। तो कहीं भी आपको चढ़ना होगा तो आप क्या करेंगे, पश्चिम की दिशाओं से चढ़ेंगे, ना कि पूर्व से। इसलिए देखना केदारनाथ वगैरह की यात्रा जो होती है वो इस तरफ से होती है बजाय उस तरफ से, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पश्चिम दिशा से हिमालय की पर्वत की चोटी को जब भी चढ़ना होता है तो उस तरफ से जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर क्या हो रही है, वर्षा कम है और यहाँ पर क्या है, स्नो ज़्यादा है, तो स्नो अगर ज़्यादा होगा, अगर आपके बर्फबारी होगी तो बर्फबारी होने के कारण क्या होगा, वहाँ पर कम ऊंचाई तक आपको क्या दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, क्योंकि पेड़ आपकी बर्फबारी के कारण वहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। परंतु अगर इस तरफ क्षेत्र में देखेंगे तो ज़्यादा ऊंचाई तक आपका पेड़ दिखेंगे, तो जो ट्री लाइन है, ट्री लाइन इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। तो आपका पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय में थोड़ा सा अंतर को समझेंगे, ठीक है। तो अंतर किस किस चीज़ों में देखा हमने, चौड़ाई देखा, साथ ही साथ हम क्या देखें, उसकी ऊँचाई को देखें, ऊँचाई के बाद देखें कि आपका ट्री लाइन किस में कहाँ तक आपके क्या मिल रहे हैं, वन मिल रहे हैं या आपके पेड़ ज़्यादा ऊपर तक किस में दिख रहे हैं। ट्री लाइन के बाद हम लोग और क्या देख रहे थे यहाँ पर, हम लोगों ने ढाल के बारे में बात किया, किसका ढाल कैसा है, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या है, पश्चिम और पूर्व हिमालय के बीच का तुलनात्मक अध्ययन है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये याद रखेंगे, जब आपका कश्मीर पंजाब हिमालय की मैं बात करता हूँ या आपको एग्जाम में कहीं आ जाता है, तो आपको समझना होगा कि कश्मीर और पंजाब हिमालय के बीच में आपका कौन कौन सा माउंटेन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका महानिमालय का कोई हिस्सा दिख ही रहा है आपको, हल्का सा आपको झांसकर का हिस्सा भी दिख रहा है, फिर पंजाल तक जा रहे हैं, ठीक है। तो और ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कश्मीर वैली, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वैली ऑफ कश्मीर या कश्मीर घाटी, ठीक है। तो कश्मीर घाटी अगर देखा जाए तो आपका कहाँ दिखेगा, कश्मीर घाटी भी आपके कश्मीर पंजाब हिमालय में, ठीक है। कुमायूं हिमालय की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से जितने भी प्रसिद्ध क्या है, टूरिस्ट स्पॉट हैं, जितने भी प्रसिद्ध घाटी हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो नंदा देवी हो या कुछ भी हो, तो सबके सब वो यहाँ पर है, ठीक है। ये सारे चीज़ों को मैंने लिखा है, आपको दिया है, आप वहाँ से एक बार रीड करेंगे। यहाँ से आपको समझना इंपॉर्टेंट था कि हिमालय में किस तरह से चीज़ों का सेक्शन है, ठीक है। तो होप आप लोगों को यहाँ से समझ आएगा कि उत्तर से दक्षिण किस तरह से विभाजित है, अब आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आपका ये चारों को आप क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका आता है महान, फिर मध्य, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। और जब हम लोग पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, सतलज से काली हमारे पास कुमायूं है, काली से लेकर आपका तिस्ता क्या है, नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र देखेंगे तो वहाँ क्या है, असम हिमालय है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, हिमालय का आपका विभाजन था। अब विभाजन के बाद हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि हिमालय की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, कि उनमें इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था,
सिंटेक्सियल बैंड, हम लोग वैसी तरह से देखेंगे बहुत सारे फोल्ड हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर कुछ अलग अलग भ्रंश बने हुए हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, MCT, MBT, ये सारे के सारे, ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे हिमालय फ्रंटल फॉल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, हिमालय फ्रंटल भ्रंश कौन सा है, और आपका MCT क्या है, मेन क्रस्टल थ्रस्ट क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। तो वो पूरे के पूरे विशेषताओं को हम लोग चर्चा करेंगे और विशेषताओं के साथ साथ चलेंगे हिमालय के महत्व को पढ़ने के लिए। तो आज आप लोगों को क्या करना है, देखिए आज मैं आपको कोई भी मैप पर ज़्यादा स्थित दे रहा हूँ, आप आराम से इसको बनाएंगे, आपके पास जो भी एटलस होगा वहाँ पर हिमालय को एक बार देखेंगे, कोशिश करेंगे इस तरह से देखने का, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेगा कुछ हिमालय में, सब लगेगा हिमालय है, ठीक है। अब